बच्चों आज हम एक्सरसाइज 8.2 करने वाले हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है मैंने। एक्सरसाइज 8.2 जो करनी है उसके लिए ये जो टेबल मैंने बनाई है, ये टेबल बहुत ही जरूरी है। ये टेबल मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, इसको याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसके सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। इसका फर्स्ट वाला पार्ट मैंने लिख दिया है, टेबल में से रख के यहाँ वैल्यू रखेंगे। यहाँ देखेंगे सबसे पहले क्या है, साइन 60, तो यहां से साइन देखेंगे और टेबल यहां से 60 देखेंगे। तो साइन 60 की जो वैल्यू अंडर रूट 3/2, तो यहाँ साइन 60 की जगह रख देंगे अंडर रूट 3/2। अब हमें रखनी है वैल्यू कोस 30 की, तो कोस ये रहा 30, ये रहा कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू भी होती है अंडर रूट 3/2। इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो यहां माना जाएगा मल्टीपल का साइन, यहाँ प्लस का प्लस लगा दिया। अब है साइन 30, तो साइन यहां से देखेंगे 30, यहां से देखेंगे साइन और 30, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, तो साइन 30 की जगह रख दिया 1/2। अब जो रखना है कोस 60, तो यहां से कोस रखेंगे और यहां से 60 रखेंगे, और कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो भी है 1/2। इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो इनटू मानी जाएगी। अब यहाँ इनटू सोल्व करते हैं, रूट थ्री की रूट थ्री से होगी तो सिर्फ 3 आ जाएगा, 2 जा कितना बन जाएगा 4, रूट थ्री से रूट थ्री कट जाता है, रूट से रूट तो सिर्फ 3 बच जाएगा हमारे पास। यहाँ इनटू करेंगे 1 बन जा 1 और 2 जा कितना बन जाएगा 4। अब इन दोनों को जोड़ना है, एलसीएम लेके भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इसका डेनोमिनेटर सेम है, अगर नीचे वाली वैल्यू सेम होती है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ दो। तो 3 और 1 यहाँ आ गया 4 और बटे में 4, और 4 से 4 कट के क्या आ गया 1, तो इस पूरे की जो वैल्यू आई है वो आई है 1, ये 1 के इक्वल है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड वाला पार्ट करने वाले हैं। सेकंड वाले में लिखा हुआ 2 tan² 45° प्लस cos स्क्वायर 30° माइनस साइन स्क्वायर 60°। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले 2 की जगह 2 लिख दिया। अब हमें tan 45 चाहिए, tan ये रहा और 45 ये रहा, tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो यहाँ tan 45 की जगह 1 रख दिया इनटू में, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर भी चढ़ाएंगे। अब प्लस यहाँ किसकी वैल्यू रखनी है, cos 30 की, लेकिन स्क्वायर भी है, तो यहाँ से cos देखेंगे और यहाँ से 30 देखेंगे। cos 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है अंडर रूट 3/2, इसकी स्क्वायर थी तो यहाँ भी स्क्वायर हमने लगा दिया। अब जो हमें चाहिए साइन 60 चाहिए, तो यहाँ से साइन देखेंगे और यहाँ से 60 देखेंगे, साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, तो यहाँ लिखे रूट 3/2 की होल स्क्वायर। अब स्क्वायर के बाद अगर मैं इसे सिंप्लीफाई भी करता हूँ तो ये दोनों तो सेम है, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस चाहे अभी काटो या बाद में काटो, तो मैं यही इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ। ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बच गया 2 × 1 की स्क्वायर, और 1 की स्क्वायर 1 होगी तो 2 × 1 = 2, ये इसका आंसर। अब हम इसका पार्ट सी करने वाले, पार्ट सी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ लिखा हुआ है कोस 45, तो कोस ये रहा 45 ये रहा, कोस 45 की जो वैल्यू वो है 1/√2। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कोस 45 वैल्यू क्या होती है 1/√2। अब यहाँ अपोन आ गया, अपोन में यहाँ रहेगा सेक 30, तो यहाँ से हम सेक देखेंगे और यहाँ से 30 देखेंगे, तो सेक 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2√3। अब यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस कोसेक 30, तो कोसेक ये रहा और 30 ये रहा, इसकी वैल्यू होती है 2। अब अपॉन में 1 तो मान ही सकते हैं, हम ऊपर वाले को नहीं जोड़ना, नीचे वाले तो जोड़ सकते हैं ना, तो या एलसीएम लेके जोड़ लो या फिर 3/2 आती है उससे जोड़ लो, तो 1/√2। इन दोनों को ऐड करने वालों में तो नीचे वालों को इंटू कर दूंगा, √3 आ जाएगा, ऊपर वालों की क्रॉस इंटू कर दूंगा, तो 2 की 1 से करूंगा 2 और 2 किस से कर दूंगा तो आ जाएगा 2√3। अब यहाँ जब भी क्वेश्चन 4 पार्ट्स में हो जाए, 1, 2, 3 और 4, तो सबसे ऊपर वाले की मल्टीप्लाई इससे होगी और बीच वाले की मल्टीप्लाई इससे होगी, तो 1 की इंटू किससे करी जाएगी, 1 × √3, और यहाँ जो √2 है, √2 की मल्टीप्लाई किससे करी जाएगी, 2 + 2√3। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको अगले स्टेप में 1 × √3 से करेंगे तो √3 आ जाएगा, अपोन में √2 ऐसे रहने दिया मैंने, इन दोनों में कॉमन 2 है, अगर इन दोनों से कॉमन 2 बाहर निकाल लेता हूँ, तो कॉमन 2 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ 2 हट गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ से 2 हट गया क्या बचेगा √3, ये कॉमन निकाल लिया। अच्छा इस 2 को थोड़ा आगे की तरफ लिख देते हैं, तो यहाँ हमने लिख लिया √2 और इंटू में 2, थोड़ी वैल्यू आगे पीछे अरेंज कर लिए। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें नीचे रूट नहीं चाहिए होता, और नीचे जितनी बार रूट आएगा उसमें रैशनलाइजेशन करके या परिमेयकरण करके रूट को हटाया जा सकता है, तो यहाँ मैं सबसे पहले इसका परिमेयकरण कर रहा हूँ। अब परिमेयकरण में क्या होता है, अगर आपको प्लस का साइन दिखाई देता है तो आप माइनस का साइन यूज कर लो, माइनस का दिखाई दे तो प्लस का साइन यूज कर लो, तो मैं इस स्टेप का परिमेयकरण कर रहा हूँ। तो परिमेयकरण में 1 - √3 और नीचे भी आ जाएगा 1 - √3।
यहाँ प्लस था इसीलिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करी, माइनस से करी। अब परिमेयकरण इसमें दो बार होगा, एक बार तो इसका होगा, एक बार यहाँ भी तो रूट है, तो दो बार परिमेयकरण करेंगे हम। अब ऊपर आंसर क्या आएगा, रूट तीन की मल्टीप्लाई से करेंगे वन से, तो तीन। अब रूट तीन की मल्टीप्लाई रूट तीन से भी होगी, तो रूट से रूट कट जाता है, तो यहाँ सिंपल हमारे पास आ जाएगा तीन। अब नीचे देखते टू अंडर रूट टू, तो ऐसे लिख दे ये और ये, इन दोनों में एक फॉर्मूला यूज हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ए प्लस बी ए माइनस बी ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग जो सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर का मतलब वन का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब अंडर रूट थ्री का स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू फिर से वही रहने दी, अंडर रूट थ्री माइनस थ्री, नीचे लिख दिया टू अंडर रूट टू, वन का स्क्वायर वन होगा और रूट थ्री का स्क्वायर सिर्फ तीन हो जाएगा। अब तीन में से एक क्या बचेगा, माइनस का दो बचेगा, तो ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लेते, इन दोनों से माइनस कॉमन लेने का मतलब है ये तीन तो प्लस में बन जाएगा, ये वाला रूट तीन माइनस का बन जाएगा, और अपॉन में टू अंडर रूट टू और ये वाला तीन में से एक गया, तो ये बच जाएगा माइनस टू। अब इसका जो माइनस है वो आगे लगा दिया ताकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट किया जा सके। अब भी रूट टू आ रहा है नीचे, तो इसका भी रैशनलाइजेशन परिमेयकरण कर देंगे रूट टू और रूट टू ऊपर लगा के, तो रूट टू की इंटू इससे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा थ्री अंडर रूट टू, इसके मल्टीप्लाई से करेंगे तो रूट वालों को इंटू हो जाती है, यहाँ थ्री है यहाँ टू है, तो थ्री टू का कितना आ गया सिक्स। अब नीचे की तरफ देखेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे चार आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे टू आएगा, तो फोर इंटू टू का मतलब एट। अब नीचे जो आंसर आया इसका डेनोमिनेटर, हिंदी में इसको हर बोलते, तो रूट खत्म हो गया, रूट खत्म होते हैं हम यहीं पे छोड़ देंगे और ये इसका आंसर माना जाएगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर फाइव करने वाले हैं, जो फाइव में दे रखा है, सबसे पहले फाइव भी लिखा है, फाइव लिख दिया। अब यहाँ दे रखा है कोस 60, तो कोस ये रहा और 60 ये रहा, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो कोस 60 की जगह 1/2 रख देंगे, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस की जगह प्लस लगा दिया, अब फोर की जगह फोर लगा देंगे। अब चाहिए सेक 30 का स्क्वायर, तो पहले यहाँ से सेक देखेंगे और यहाँ से 30 देखेंगे, तो 2/√3 है, तो यहाँ रख देंगे 2/√3 का स्क्वायर। फिर इसके बाद यहाँ आ जाएंगे 10^2 45 है, तो पहले यहाँ से 10 देखेंगे, यहाँ से 45 देखेंगे, 10^45 की वैल्यू 1, तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी 1 लगा दिया। अब इसके बाद नीचे देखते हैं साइन 30 का स्क्वायर है, तो साइन 30 यहाँ से देखेंगे, साइन 30 1/2 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर। फिर प्लस कोस 30 देखेंगे √3/2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2 का स्क्वायर। अब यहाँ आगे सोल्व करेंगे, 5 की जगह 5, 1/2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है, 1 का स्क्वायर तो 1 बन जाएगा, इस 2 का स्क्वायर निकालेंगे 4, प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4, इस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √3 का स्क्वायर करेंगे सिर्फ 3 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करने पे सिर्फ 3 आएगा। और यहाँ देखते 1 का स्क्वायर करने पे 1, नीचे आ जाते 1 का स्क्वायर करने पे 1, 2 का स्क्वायर करने पे 4, प्लस √3 का स्क्वायर करने पे सिर्फ 3 और 2 का स्क्वायर करने पे 4। अब नीचे जरा थोड़ा सा और देखेंगे, 3 और 1 4 हो गया और अपॉन में भी 4 है, तो 4/4 कट जाएगा ये पूरा और ये कट के क्या आ जाएगा 1। तो ऐसी कंडीशन में इसको लिख ही नहीं रहा मैं सीधा इसको सॉल्व करता हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है यहाँ पे। तो यहाँ देखो 5 1 5, तो यहाँ ये 5/4 और यहाँ आ जाएगा 4^16/3 और -1 और ये वैल्यू तो 1 के बराबर है, तो इसको लिखो या मत लिखो मर्जी है, तो मैं इसको फिलहाल नहीं लिख रहा। अब इसके अपॉन में 1 मान लिया, अब इन तीनों का एलसीएम ले लिया, इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 12, 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है 12, तो 4 के 12 में 12 आएगा 3 बारी में, 4 3 12, तो 3 5 कितना आ गया 15, प्लस 3 के 12 में 12, 4 बारी में आएगा तो 16 चौके 64 बन जाएगा ये वाला, फिर 1 के 12 में 12 12 बार 10 बारी में आएगा तो 12 1 12। अब 15 और 64 को जोड़ना है, 5 4 9 79, इसमें से 12 घटा देना, यहाँ 2 बच गया, यहाँ 6 बच गया, वो सॉरी 9 में से 2 गया, 7 बचा और यहाँ पे 6 बचा, तो यहाँ आ गया 67/12, ये इसका आंसर। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है यदि 10a+b √3 के इक्वल है, 10a-b 1/√3 के इक्वल है और a+b इन दोनों का टोटल 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा या 90 के बराबर भी हो सकता है, लेस देन और इक्वल लिखा हुआ यहाँ पे, तो a और b का मान ज्ञात करो। तो यहाँ हम एक काम करेंगे, जो पहली इक्वेशन दे रखी है 10a+b√3 को ऐसे ही लिख दिया हमने, और जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है वो कौन सी है, 10a-b इक्वल है 1/√3, ये दोनों इक्वेशन को मैंने वापस लिख दिया। अब हम ये देखेंगे 10a+b, अब यहाँ 10 दे रखा है और यहाँ ये भी चेक करेंगे 10 में वैल्यू होती है नहीं होती है, तो जब यहाँ 10 दे रखा है तो 10 में ही चेक करना है √3 होता है या नहीं होता है, तो 10 में √3 होता है, वो भी किसका होता है 60 की वैल्यू होती है, तो इस स्टेप को हम कैसे लिख देंगे, 10
प्लस बी, ये वैल्यू बराबर होती है टेन साठ के, तो यहाँ टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा, साठ के। इसी तरह टेन दे रखा है, यहाँ टेन में चेक करेंगे वैल्यू होती है, नहीं होती, होती है, और किसकी होती है, तीस की होती है, तो यहाँ हमारा ए माइनस बी बराबर आ जाएगा तीस। अब ये दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू, इन दोनों का हम विलोपन या एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने वाले हैं। किस तरह सोल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज करना जरूरी होता है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस 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 होता है, एक और एक कितने बी हो गया यहाँ पे दो बी, अब 60 में से 30 गया, 30 बच गया, दो को 30 से काटा तो b की वैल्यू आ गई 15। अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू इस तरह निकालेंगे, चाहे इक्वेशन फर्स्ट लो या सेकंड लो, तो सेकंड वाली इक्वेशन यूज करते हैं, a माइनस बी बराबर 30, ये जो b है b की जगह क्या रख देंगे 15, अब माइनस का 15 वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 15, तो a की वैल्यू आ जाएगी 30 प्लस 15 इक्वल टू 45, तो a और b दोनों के आंसर आ चुके हैं। अब मैं आपको ये टेबल बनाने सिखाने वाला हूँ कि ये टेबल बनाने कैसे, उसके लिए सिंपल प्रोसेस है, सबसे पहले आप खुद को चार तक गिनती लिख लेंगे, जीरो से लेके फोर तक, जीरो वन टू थ्री और फोर, और सबको डिवाइड करना है फोर से, तो यहाँ फोर लगा दिया, फोर लगा दिया, फोर लगा दिया, फोर लगा दिया, और सभी का निकालना है रूट, तो यहाँ भी रूट लगा दिया, रूट लगा दिया, रूट लगा दिया, रूट लगा दिया, अब जीरो को चार से डिवाइड करेंगे जीरो, और जीरो का रूट भी जीरो आएगा, अब यहाँ वन बाई फोर है, वन का रूट वन होगा, चार का रूट दो होगा, अब 2 बाई फोर है तो पहले तो ये कट के 1 बाई टू आ गया, 1 का अंडर रूट 1 होता है और 2 का कुछ नहीं होता, तो इसको रूट 2 लिख दिया, 3 अपॉन में 4 ये आपस में कैंसिल नहीं होगा, तो दोनों का रूट अलग कर लेंगे, 3 का तो रूट 3 और 4 का सिर्फ 2 आ जाएगा निकल के, यहाँ 4 से 4 कट गया 1 बचा, और 1 का अंडर रूट क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ जो ये वैल्यू आई है ये निकल के आ गई साइन की, ये है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, चेक कर लो साइन की सेम वैल्यू यही आई है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो साइन तो इस तरह निकाल लेंगे हम, या हो सके तो आप साइन को याद कर लो, अगर साइन याद कर लिया आगे की वैल्यू बहुत ईजी है। अब देखो कैसे, साइन के बाद अगला है कोस थीटा, अगर कोस की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से उल्टा लिखना चालू कर दो, वन अंडर रूट थ्री बाई टू, अब इसको लिख देंगे वन बाई अंडर रूट टू, अब इसको लिखेंगे वन बाई टू, और इसको लिख देंगे जीरो, ठीक है, साइन की वैल्यू उल्टी लिख दी वही वैल्यू कोस बन जाती है, ये दोनों तो सेम आ गए हमारे। अब अगली जो बारी है वो किसकी है, टेन थीटा, हमें ध्यान रखना है इन दोनों को डिवाइड करते हैं टेन थीटा निकल के आ जाता है, अब इन दोनों को डिवाइड करूंगा, एक को जीरो से डिवाइड करा तो यहाँ आ गया जीरो, अब यहाँ डिवाइड करूंगा दो से, दो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वन बचा, यहाँ रूट थ्री बचा, तो ये जो वैल्यू आ गई वन अपॉन में रूट थ्री, अब यहाँ डिवाइड करूंगा तो रूट दो से रूट दो कटा, वन से वन कटा, सब कुछ कट गया तो वन लिख देंगे, यहाँ डिवाइड करूंगा दो से दो कटा तो क्या बचा, अंडर रूट तीन ऊपर बचा, वन नीचे बचा, वन को लिखते नहीं है तो ये अंडर रूट तीन, अब एक को जीरो से डिवाइड करना, जीरो से कोई डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी आ जाएगी, तो यहाँ ए बना दिया, तो ये हमारा टेन थीटा निकल के आ गया। अब इसके बाद और भी इजी है, कोसेक थीटा, कोसेक के बाद सेक थीटा और कोट थीटा, ये तीनों और भी आसान है, साइन थीटा से कोसेक निकल जाएगा, कोस से सेक निकल जाएगा, और टेन से कोट निकल जाएगा, इतना सिंपल है ये। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो वन तो मान सकते हो ना अपन अपॉन में, तो कोसेक इसको पलट दो बस, जैसे जीरो अपॉन में वन है तो यहाँ गया वन अपॉन में जीरो, और जीरो को वन से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया इन्फिनिटी, अच्छा वन अपॉन में टू है तो टू अपॉन में वन, वन को लिखने की जरूरत नहीं, तो सिर्फ टू, वन अपॉन अंडर रूट टू तो अंडर रूट टू अपॉन में वन, वन को लिखने की जरूरत नहीं है, अच्छा इसको पलटेंगे तो दो अपॉन में अंडर रूट तीन आ जाएगा, अब इसको पलटेंगे तो जीरो अपॉन में वन, तो ये बन जाएगा जीरो, ये कौन सी वैल्यू आ गई कोसेक, अब निकालना है सेक, तो सेक किसका उल्टा होता है कोस का होता है, तो कोस को हम पलट देंगे, तो यहाँ पलटने के लिए काम करेंगे, सबसे पहले वन अपॉन में क्या मानेंगे वन, पलटने पे वन बाई वन आ जाएगा, इसको पलटेंगे तो टू अपॉन में अंडर रूट थ्री आ जाएगा, इसको पलटेंगे अंडर रूट टू अपॉन में वन आ जाएगा, इसको पलटेंगे वन बाई टू आ जाएगा, तो ये जीरो अपॉन में वन है तो ये क्या बन जाएगा वन अपॉन जीरो, डिवाइड नहीं हो सकती तो इन्फिनिटी हो गई। अब लास्ट रह गया हमारा कोट थीटा, कोट टेन का उल्टा होता है, तो टेन की लाइन ये वाली है, इसको पलट दो, जीरो अपॉन में वन ये इन्फिनिटी आ गया, वन अपॉन में रूट थ्री है तो अंडर रूट थ्री आ गया, ये वन का उल्टा वन ही होगा, ये रूट थ्री अपॉन में वन मानोगे तो इसका आ जाएगा वन अपॉन में अंडर रूट थ्री, और इन्फिनिटी का तो इन्फिनिटी ही मान लो, तो ये टेबल हमने बना ली।